हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं कि फूलों की भी एक भाषा होती है, जो दुनिया भर में संसार में अलग अलग भावनाओं से व्यक्त करते हैं। तो आइए जानते हैं हम, हमें फूल प्रकृति का बहुत सुंदर उपहार है और फूलों का स्थान धार्मिक समारोह में, सामाजिक में, त्योहारों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सौंदर्य और सुगंध का माहौल में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदरता है फूलों की। तो संस्कृत कल्चरल सिग्निफिकेशन ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जो कल्चर है हमारा, जो हिंदुओं का या कोई सा भी, सब शादी समारोह धार्मिक स्थल सब में फूलों को महत्व दिया जाता है। तो खुशबू से, उनका सौंदर्य से हमें अपनी तरफ खींचता है। हर फूल में कहानी छुपी हुई होती है, भावना होती है जो हमारी ज़िंदगी की खुशी और सकारात्मक को संचार करते हैं। फूल हमें केवल आनंदित करते हैं और साथ ही में हमारी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। अगर हमें किसी से कुछ भी अपनी खुशी जाहिर करते हैं तो जाहिर है आप किसी को गिफ्ट में फूल देते हैं, जिससे हमारी प्रसन्नता उसको दिखाई देती है। फूलों की तो एक अनोखी भाषा होती है। यह भाषा केवल खुशबू और रंगों से नहीं होती है, बल्कि उसके जुड़े भावना और विचारों का भी है। हर फूल कुछ ना कुछ कहता है आपसे। लाल गुलाब प्रेम और जुनून का प्रतीक है, जबकि सफ़ेद गुलाब हमारा शांति और मासूमियत का, और पीला गुलाब जो है हमारा दोस्ती का प्रतीक है। इसी प्रकार जो लिली का फ्लावर होता है वो भी शुद्धता और पुनर्जन्म का प्रतीक है। सूरजमुखी अपने पीले रंग के कारण उजाले का प्रतीक है। तो फूलों की कुछ मान्यता हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं। तो कोई भी कल्चर होता है, कोई किसी भी धर्म समारोह का या कुछ भी होता है, तो फूल हमारे बहुत महत्व देते हैं। सब कोई फूलों का यूज प्रयोग करते हैं अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करने के लिए। और हमें फूलों को भगवान विष्णु और लक्ष्मी या जो भी अपने धर्म में जो भी भगवान को पूजते हैं तो फूलों को जरूर चढ़ाते हैं। और बौद्ध धर्म में कमल का जो फूल होता है वो आत्मज्ञान का प्रतीक माना जाता है। कैसे कहते हैं कि कीचड़ में उगने के बावजूद भी यह फूल शुद्ध और अनछुआ होता है। ऐसे ही जापान में हाना नामक त्यौहार में चेरी के फूलों का की पूजा होती है। शुक्रा जीवन के अस्थाई होने का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है जीवन की खूबसूरती। तो हमारे फूल की भाषा अलग अलग है, सभी जगह में व्यक्त करने के लिए फूलों की मदद ली जाती है, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को। तो कोई भी आप फूल अपना सकते हैं। तो आइए फूलों की भाषा क्या है अपने शब्दों में बताते हैं। जो गुलाब का फूल होता है, ये देखिए गुलाब का फूल है, वो प्यार और रोमांस का प्रतीक माना जाता है। खासकर लाल गुलाब सच्चे प्रेम और जुनून को दर्शाता है। वही सफ़ेद गुलाब जो होता है, अभी हम दिखाते हैं, सफ़ेद गुलाब भी लगा है मेरे यहाँ। तो ये देखिए सफ़ेद गुलाब लगे हैं। तो सफ़ेद गुलाब हमें मासूमियत और शुद्धता का प्रतीक है, शांति का भी प्रतीक है। पीला गुलाब दोस्ती और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। ऐतिहासिक रूप से गुलाब के ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में देवी एफ्रोडाइट और वीनस से भी जोड़ा गया है, जो प्रेम और सौंदर्य की देवी थी। लिली शुद्धता और पुनर्जन्म का मर्तत्व का प्रतीक है। ईसाई धर्म में
विसर्जन वर्जिन मैरी से जुड़ा है और कई संस्कृतियों में इसे पवित्रता देवता के साथ जोड़ा गया है। ये देखिए मेरे पास लिली का भी प्लांट है पर इसमें फूल नहीं है। सफ़ेद लिली को अक्सर अंतिम संस्कार से गुलाब को जोड़ा जाता है। सफ़ेद लिली को अक्सर अंतिम संस्कारों में इस्तेमाल किया जाता है जो आत्मा की शांति और स्वर्गीय जीवन को संकेत देता है। कमल जिसके घर में है उसको भी हिंदू धर्म में कमल को आध्यात्मिकता से जोड़ा गया है, आत्मज्ञान से जोड़ा गया है। जीवन की कठिनाइयों के बीच खिलने वाली क्षमता का प्रतिनिधित्व है क्योंकि वो कमल का फूल जो होता है वो कीचड़ में खिलता है। इसी वजह से कितनी भी कठिनाई होती हैं तब भी और कितना भी कीचड़ होता है तब भी कमल का फूल खिल ही जाता है क्योंकि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी कमल का विराजमान होते हैं जो समृद्धि और शांति का संदेश देता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान और शुद्धि का प्रतीक होता है। सूरजमुखी का भी प्लांट लगाइए और उसके भी कुछ मान्यता हैं। सूरजमुखी सकारात्मक ऊर्जा और निष्ठा का प्रतीक है। सूरज की ओर मुड़ने वाली विशेषता के कारण हमेशा आशावादी दृष्टिकोण और जीवन में उजाले की तलाश की प्रतीक माना जाता है। सूरजमुखी को आप देखिएगा कि हमेशा सूरज की तरफ ही रहता है और एक आशा की किरण की तरफ हमको जोड़ता है। हमें भी जीवन में भी कभी कठिनाइयों को सामना करते हुए निराश नहीं होना है और एक आशा एक उम्मीद के साथ हमको आगे ही बढ़ना है। तो सूरजमुखी का फूल यही हमें दर्शाता है आगे बढ़ते रहे और अपने मंजिलों को आप पाते रहें। और गुलदावती भी एक महत्व है। गुलदावती कई संस्कृतियों में सम्मान और दीर्घायु का प्रतीक है। जापान में इसे शाही परिवार से जोड़कर भी देखा जाता है जबकि चीन में यह स्वस्थ और लंबे जीवन का प्रतीक है। पश्चिमी संस्कृति में सफ़ेद गुलदावती को मृत्यु और अंतिम संस्कारों से जोड़ा जाता है। तो गुलदावती का फूल है वो भी कुछ ना कुछ कहता है हमारी संस्कृति में हमारे रीति रिवाजों में। तो ये गुलदावती का प्लांट है आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ फूल की एक भाषा होती है और हर फूल कुछ ना कुछ ज़रूर कहता है। नरगिस यह वसंत और पुनर्जन्म का प्रतीक है। नरगिस के अक्सर एक नई शुरुआत की और आशा की किरण है प्रतीक माना जाता है। वेल्स में इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई है। तो देखिए कुछ ना कुछ प्लांट फूल हमारा कुछ ना कुछ कहता है। तो इसी प्रकार हर फूल की एक नई भाषा है, हर फूल की एक नई कहानी है जो हमें संस्कृति और अपने विचारों और भावना को व्यक्त करने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह सहायक होता है। और इसी तरीके से आप जान गए फूलों की भी अपनी कोई भाषा है, परिभाषा है और जिससे फूल खुशबू के साथ सुंदर सुंदर विचार भी व्यक्त करने के लिए एक माध्यम है। फूलों से हम अपनी भावना विचारों को व्यक्त कर सकते हैं दूसरे के सामने। तो फूल भी कुछ कहता है, फूलों की भी अलग ही एक भाषा है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और ये देखिए छुई मुई है, तो ये देखिए इसके फूल हैं और ये यहाँ पे बीज बन रहे हैं। और इसकी तरह छुई मुई ना बनिए, हमें जीवन में हमेशा अपनी रास्ते चलना है, अपनी मंजिल को जाए जितनी भी दूर मंजिल हो उसको पाना है। और ये देखिए थोड़ा सा छेड़ने से ये
बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं अपनी नई पहचान के साथ, अपने नए उमंग के साथ। तो इस तरीके से हमें भी अपने रास्ते इसी तरीके से बनाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।